वेलकम टू फैंटेसी क्रिकबॉल। विमेंस प्रीमियर लीग 2024 में खेला जाने वाला 18वां T20 मुकाबला जो कि खेला जाने वाला है गुजरात जायंट्स विमेंस वर्सेस यूपी वॉरियर विमेंस के बीच में। ये तगड़ा मुकाबला गाइस 11th ऑफ मार्च को 7:30 बजे शाम में अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में शेड्यूल्ड है। तो कैसी होगी पिच, किसको फेवर करेगी और इस मैच में आपकी फैंटेसी टीम में कौन सी खिलाड़ी आपको दिलाएगी सबसे ज्यादा पॉइंट, लास्ट मैच जिसने भी वीडियो देख के टीम बनाई है जबरदस्त विनिंग हुई है। गाइस देखो हमारे कल की भी टीम अच्छी थी, ओवरऑल हमारा सीवीसी उतना अच्छा नहीं चला जिसका एक मलाल मन में रह गया। तो गाइस इस मैच में मैं अपना 100% देना चाहूंगी और जरूर चाहूंगी कि लास्ट मैच की भी थोड़ा भी अगर किसी को लॉस हुआ है तो वो इस मैच में कवर कराया जा सके। तो यहां पर आपको ग्रैंड लीग में दबा के खेलना है क्योंकि इस मैच में हम आपको ग्रैंड लीग की बेस्ट टीम और कैप्टन वाइस कैप्टन कितनी टीम क्रिएट करनी है, कितने टीम में आपको सीवीसी शफल करने रोटेट करने सेम रखने क्या प्लेइंग 11 होगी ये सारी बातों के साथ साथ गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे। यहां पर गुजरात जायंट्स विमेंस से यूपी वॉरियर विमेंस के बीच की ग्रैंड लीग टीम क्या रहने वाली है, ग्रैंड लीग पिक्स, हेड टू हेड रिकॉर्ड, वेन्यू स्टैट्स, बॉलिंग ऑर्डर, कौन सी खिलाड़ी कितने ओवर डालेगी, सारे खिलाड़ियों की रिसेंट परफॉर्मेंस और इस मैच की ट्रम्प खिलाड़ी कौन सी होने वाली है। जहां एक तरफ होंगी बेथ मुनी लिचफील्ड वॉलवार्ड तो दूसरी तरफ होने वाली है गाइस बात करें एलिसा हेली की। इसके अलावा अगर हम बात करें कैप्टन वाइस कैप्टन किसको क्रिएट करना है, एक तरफा गुजरात में एशले गार्डनर सबसे ज्यादा पॉइंट इस मैच में दे सकती है या यूपी वॉरियर्स की तरफ से ताहिला मैग्रा, ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा में से सीवीसी आप क्रिएट करना ज्यादा सेफ रहने वाले। बॉलिंग ऑप्शन में जहां यूपी वॉरियर की तरफ से बड़े नाम सोफी एक्लेस्टन जैसे विकेट टेकर लेन जो हर मैच में विकेट लेती है या बात कर ले एक्सपीरियंस से भरी राजेश्वरी गायकवाड़ तो दूसरी तरफ तनुजा कन्वर जो बैक टू बैक हर मैच में विकेट निकाल के दे रही है, मेघना सिंह जो जब विकेट ले रही है तो भर भर के ले रही है। तो ये सारी बातें हम करेंगे गाइज, यहाँ पर सारे कंफ्यूजन आपके सॉल्व होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ग्रैंड लीग की कैप्टन वाइस कैप्टन और यहाँ पर आपके सारी बातें के साथ साथ गाइज देखो यहाँ पर गिव अवे स्पेशल वीडियो रहेगी। तो फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट के अलावा आपको दो इजी क्वेश्चन वीडियो में पूछे जाएंगे, दोनों क्वेश्चन का जवाब सबसे पहले सबसे सही देके आप डेली गिव अवे जीत सकते हो। करना कुछ नहीं है, वीडियो पूरी देखनी है और टेलीग्राम का मेंबर होना जरूरी है। टेलीग्राम का मेंबर आपको ऐसे भी होना पड़ेगा क्योंकि हर एक मैच की फाइनल टीम जो टॉस के बाद आती है वो आती है टेलीग्राम पे, वीडियो आती है किसी एक बड़े मैच की लेकिन आपको पैनल में सारे मैच के आपको कोशिश रहती है कि आपको टीम प्रोवाइड की जाए, आपको ग्रैंड लीग स्मॉल लीग की एनालिसिस की जाए और आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम भी आते हैं यहाँ पर किसी भी फैंटेसी ऐप को लेके टीम को लेके तो आप मुझे टेलीग्राम पे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो गाइज और ये सारी प्रॉब्लम आपको बिल्कुल फ्री में मिल रही है, आपसे एक भी रुपए नहीं लिए जा रहे तो फ्री में एज अ सजेशन ही आप देख सकते हो गाइज। तो टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कॉमेंट बॉक्स में पिन मिलेगी तो फटाक से जाओ कॉमेंट बॉक्स में आप सबसे ऊपर आपको मिल जाएगी जाके ज्वाइन हो जाना है ठीक है गाइज। इसके अलावा और बातें भी यहाँ करेंगे हम क्योंकि ये दोनों टीमें पहले भी इस सीजन में आपस में भिड़ चुकी हैं, उस मैच को जीता था यूपी वॉरियर विमेंस ने 6 विकेटों से तो क्या उस मिली हार का बदला गुजरात जायंट्स विमेंस इस मैच में ले पाएगी। तो ये या इसके साथ ही साथ दोनों टीमों की अगर एनालिसिस आप करोगे ना तो 7 मैच खेलिए गाइस और सिर्फ एक में यहाँ पर 6 मैच आई थिंक खेलिए गुजरात जायंट्स ने, एक ही मैच जीता और 7 मैच खेला है यूपी वॉरियर्स की टीम ने जिन्होंने जीता है 3 मैच। अगर आप ओवरऑल कॉम्बिनेशन देखोगे और टीम स्ट्रेंथ की बात करोगे तो यूपी वॉरियर्स की टीम कॉम्बिनेशन जो है ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि आपको गुजरात जायंट्स की बॉलिंग अटैक हमेशा से इनकी कमजोर पॉइंट रही है इस पूरे सीरीज में। तो देखते हैं इस मैच में कैसे कवर करने वाली है लेकिन आपको क्या करना है, मैं इतनी काम करूंगी आपको करना है वीडियो को लाइक, 1 सेकंड लगता है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, यहाँ देखो नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन का फटाक से कर दो सब्सक्राइब, उसके जस्ट ऊपर ऑप्शन दिखेगा मोर का, जैसे ही आप मोर पे क्लिक करोगे आपके फोन में ओपन हो जाएगा ये पेज, यहाँ पर दिखेगा टेलीग्राम, यहाँ पर क्लिक कर देना टेलीग्राम मेरा ओपन हो जाएगा, आपको यहाँ से ज्वाइन कर लेना और आप सबको ज्वाइन होना बहुत जरूरी है, मेरे फैमिली का हिस्सा बनना आप सबको इस यहाँ जरूरी है गाइस क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस 1 साल में बहुत प्यार दिया है। पहले तो जिन लोगों ने इतने टाइम से मेरे साथ दिया है गाइस अच्छे सिचुएशन में बुरे सिचुएशन में भी आप सबको थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए ऐसा ही प्यार आगे भी बनाए रखिएगा, अभी रास्ता बहुत लंबा तय करना है जिसमें आपके साथ की बहुत ज्यादा जरूरत होगी और मैं अपने तरफ से आपको अपना 100% देना चाहती हूँ कि हमेशा आपकी जीत हो। बाकी यार देखो कोई भगवान तो है नहीं कि हमेशा उसका ही दिन अच्छा हो लेकिन कोशिश हमारी रहती है, हमारे 100% गिव कभी भी गिव अप नहीं करते, मोटिवेशन एकदम हाई रहता है और क्योंकि आपके प्यारे प्यारे कमेंट देखकर। बाकी गाइस आप सर्च भी कर सकते हो चैनल लेकिन आप हमेशा मेरी कोशिश रहती
रहती है कि आप लिंक से ज्वाइन करो, इसीलिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में दिया है, तो फटाफट जाओ टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ जाना है। बात करेंगे मैच वेन्यू की कि अरुण जेटली की पिच कैसी रहेगी। तो गाइस देखो बैटिंग पिच है, स्पिनर्स को काफी अच्छी खासी यहाँ मदद है। एवरेज स्कोर इन फर्स्ट इनिंग 172 है, सेकंड इनिंग में 149 है। हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो गुजरात जायंट्स विमेंस ने बनाया था यहाँ पर सबसे ज्यादा रन 199 पे 5 विकेट। लोएस्ट स्कोर आयरलैंड विमेन ने बनाया 91 पे 7 विकेट है। टोटल जो मैच खेले गए हैं 12 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से 6 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने और 6 बार सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मैच जीते। बात करें गाइस स्कोरिंग पैटर्न की तो 150 से नीचे का स्कोर 7 बार, 150 से 169 का स्कोर 1 बार, 170 से 189 1 बार और 190 प्लस का स्कोर भी यहां 3 बार बन चुका है। पेस वर्सेस स्पिन में रीसेंट के सारे मैच में स्पिनर्स को ज्यादा मदद है एज कंपेयर टू पेसर। तो ये सारे बातों के मद्देनजर रखते हुए आप पिच के अकॉर्डिंग टीम बनाना। स्पिन टू विन होगी, दीप्ति शर्मा एक लेस्टन की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है। आप ग्रैंड लीग अगर खेल रहे हो तो सीवीसी क्रिएट किया जा सकता है यहाँ पर दीप्ति और एक लेस्टन गार्डनर में से किसी को भी। मैग्रा की बात करेंगे तो ये सारी चीजें बात होगी, लेकिन आखिरी कुछ मैच देखेंगे गाइस। बाकी देखो यहाँ पर जैसा कि मैं हमेशा आपको कहती हूँ, हम इंडिया में बात ऑल ओवर वर्ल्ड हमारा देखो एक हैशटैग चलता है, एक बात होती है विमेन्स एम्पावरमेंट की। पूरी दुनिया यहाँ पर हमेशा मतलब हमेशा एक बोला जाता है, जब मैं इस लाइन में आई थी तो हमें मतलब लोगों को लगता था कि ये तो लड़के करते हैं, तो फिर यहाँ पर यार लड़कियां सब कुछ कर सकती है, विमेन्स एम्पावरमेंट है। और आपने यहाँ पर मेरा साथ देके करके दिखाया है कि एक लड़की सब कुछ कर सकती है। अगर एक लड़की क्रिकेट खेल सकती है, आप उसकी टीम बना के जीत सकते हो, तो एक लड़की आपको बता भी सकती है कि इस मैच में किसको किसको लेना है। एटलीस्ट मैं एनालिसिस करके आपको इतना अच्छा दे सकती हूँ जिसमें कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी बना रहा है। तो गाइस आखिरी मैच देखेंगे यहाँ पर, लास्ट मैच जो खेला गया था दिल्ली कैपिटल वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर विमेंस के बीच में, जहां पर दिल्ली कैपिटल ने मात्र 1 रन से, मतलब क्या गजब का मैच हो रहा है यार डब्ल्यूपीएल में, 1-1 रन से टीमें मैच जीत जा रही है। 1 रन से मैच जीता था, विकेट गिरी थी 12 जिसमें से 3 विकेट निकाली थी पेसर ने और 6 विकेट निकाली थी आपके स्पिनर ने। डबल का रेशियो है पेसर और स्पिनर में इस वक्त अगर विकेट लेने पे आप देखोगे तो। इसके अलावा गुजरात जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस 10 विकेट गिरी है, 3 विकेट निकाला है आपके पेसर ने और 6 विकेट यहां भी निकाला है स्पिनर ने। एक और मैच देखेंगे यूपी वॉरियर विमेंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल विमेंस, यहां पर 17 विकेट गिरी है जिसमें से 6 विकेट निकाला है आपके स्पिनर ने, तो वहीं उसका डबल 11 विकेट निकाली है आपके स्पिनर ने। तो तीनों ही मैच अगर आप देखोगे ना, देखो रन भी अच्छे खासे बन रहे हैं, आखिरी दोनों मैच जो हुआ है उसमें भी 190-180 प्लस का मैच हो रहा है, और यहां भी देखो यूपी वॉरियर्स या गुजरात जायंट्स दोनों की बैटिंग लाइन ज्यादा अच्छी है। लेकिन देखो गुजरात जायंट्स ऐसे कमजोर टीम है, लेकिन अगर आप बैटिंग लाइनअप में देखोगे तो गहराई ज्यादा गुजरात जायंट्स में। तो फर्स्ट इनिंग में अगर गुजरात जायंट्स बैटिंग करने आती है तो मैं इस मैच को एक फिर से हाईएस्ट स्कोरिंग मैच 170 प्लस का मैच देख रही हूं। आगे बात करेंगे दोनों टीम की क्या होगी प्लेइंग 11। सबसे पहले बात करेंगे गुजरात जायंट्स विमेंस की, इनके तरफ से ओपन करने आएंगी बेथ मूनी, उनका साथ देते हुए दिखेंगी लॉरा वॉलवर्ट। फर्स्ट राउंड बैटिंग करने आएंगी फॉर ब्लिचफील्ड, बैक टू बैक दिखेंगी दयालन हेमलता, एशले गार्डनर, भारती फूलमाली जिन्होंने लास्ट मैच पहला मैच खेला था विदर्भा एसोसिएशन टीम के तरफ से खेलती है, डब्ल्यूपीएल में मौका मिला है। आखिरी मैच पहला मैच था जिसमें अच्छा परफॉर्मेंस, नीचे में बैटिंग आई लेकिन कुछ कम ही गेंदों पे 20-23 रन की एक अच्छी पारी खेली, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद देखने को मिलेंगे कैथरीन ब्राइस, स्नेह राणा, तनुजा कन्वर, मेघना सिंह एंड सबनीम शकील। तो एग्जैक्टली प्लेइंग 11 गुजरात जायंट्स की यही होगी, इसमें इक्का दुक्का चेंजेस हो सकते हैं, तो उन चेंजेस के लिए मैं आपको बेंच प्लेयर के भी स्टैट्स बताऊंगी, तो परेशान नहीं होना है। यहां से देखो गाइस ये जो आपकी टॉप 3 ऑर्डर है ना गुजरात जायंट्स की, ये है इनकी बैटिंग लाइन अप की मजबूती। बाकी गार्डनर जो बेस प्रोवाइड करती है बैटिंग बॉलिंग दोनों साइड से, वो एक काफी टीम को मजबूती प्रदान करेगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे तनुजा कन्वर विकेट टेकर जो हर मैच में विकेट ले रही है, तो ये 5 खिलाड़ी एकदम सेफेस्ट प्लेयर हैं गुजरात जायंट्स की तरफ से। रिस्क लेना है तो आप यहाँ पर कैथरीन ब्राइस या फिर मेघना सिंह के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर बात हुई है अभी प्लेइंग 11 की। बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स की, सबसे पहले देख लेते हैं बेथ मुनी 8-16-12-85 आखिरी मैच 66 मारा है। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट एक मैच में 16 रन, वेन्यू पे 2 मैच खेला है 151 रन बनाए। लॉरा वॉलवर्ट की बात करेंगे 12-28-0-76 आखिरी मैच 13 मारा था। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 2 मैच में 45 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 89 रन मारा है। दयालन हेमलता की बात करेंगे 31-2 आखिरी मैच में 74 रन की पारी खेली थी, लेकिन ये पारी
किसी एकाका मैच में आएगी। आप हेमलता से हर मैच में ऐसी पारी की उम्मीद नहीं कर सकते हो। ये हमारी हरमनप्रीत कौर थोड़ी है कि हर मैच में मार के जाएंगी। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच में 80 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 75 रन टोटल मारे हैं। आगे बात करें अगर गाइस लिचफील्ड की बात करें तो लिचफील्ड की परफॉर्मेंस में 5, 35, 15, 18 आखिरी मैच 3 रन। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 1 मैच में 35 रन, वेन्यू पे 2 मैच खेला 21 रन बने। गार्डनर यहाँ पर लिचफील्ड इंपॉर्टेंट रहेंगे लेकिन इस मैच में ठीक है। गार्डनर 7 रन 1 विकेट, 30 रन 0 विकेट, 40 रन 2 विकेट, 2 विकेट, लास्ट मैच 1 विकेट। हर मैच में कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, किसी ना किसी तरह पॉइंट दे रही है और यही रीजन है सीवीसी का पहला ऑप्शन गार्डनर क्यों हमेशा हो जाती है। टीम हारे चाहे जीते, गार्डनर आपको एट एनी कॉस्ट पॉइंट दे के जाएंगे, चाहे बैट से चाहे बॉल से। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच में 115 रन 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 3 विकेट निकाल चुकी है स्नेह राणा। 17 रन 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, भाई एक भी विकेट नहीं मिली है यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 3 इनिंग में 1 विकेट, वेन्यू पे 1 मैच खेला जहां कोई भी विकेट नहीं मिली थी। आगे अगर हम देखें गाइस यहां से शबनम शकील की बात करें तो इनकी भी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है। आखिरी मैच में हालांकि 1 विकेट मिली है लेकिन यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे 3 मैच खेला है, 3 विकेट मिली है। भारती फूलमली की बात करेंगे, 0, 53, 40, 15 आखिरी मैच में 21 मारा था। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट मैच ही नहीं खेला है, पहला मैच ही था तो कहां से खेलेंगी। वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 21 रन बनाया। कैथरीन ब्राइस 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, यहाँ भी देखो 1 विकेट पैटर्न फॉलो होगा। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच खेला और 1 ही विकेट मिली है। आगे बात करें गाइज यहाँ पर तनुजा कन्वर की, तो मैंने क्यों बोला कंसिस्टेंसी, आप ये देखो 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, हर मैच में विकेट मिली है तो यहाँ भी विकेट मिलेगी। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 2 विकेट। मेघना सिंह 0 विकेट 1 विकेट 4 विकेट 0-0, यहाँ पर देखो 2 से 3 विकेट मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मेघना। हालांकि यहाँ पिच पे फास्टर को कम मदद है तो 1 विकेट मुझे नहीं लग रहा है इससे ज्यादा मिलेगा। यूपी वॉरियर विमेंस के अगेंस्ट 1 मैच में 1 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच खेला है, 1 भी विकेट नहीं मिली है। बाकी आप देखो इंपॉर्टेंट क्या है, गुजरात जायंट्स विमेंस की तरफ से आप बेंच प्लेयर के स्क्रीनशॉट जरूर लेना गाइस, क्योंकि यहाँ पर एक आखिर चेंजेस हो सकते हैं तो सारे प्लेयर के स्टैट्स आपके पास होने चाहिए। बात करेंगे गुजरात जायंट्स विमेंस की बॉलिंग ऑर्डर, पावर प्ले में बॉल डालेंगी तनुजा कन्वर, एशले गार्डनर, कैथरीन ब्राइस एंड मेघना सिंह। मिडिल ओवर में बॉल डालेंगी मेघना सिंह, तनुजा कन्वर, स्नेह राणा, एशले गार्डनर, शबनम शकील। डेथ में बॉल डालेंगी मेघना सिंह, तनुजा कन्वर एंड एशले गार्डनर। तो एग्जैक्टली बॉलिंग ऑर्डर यही रहने वाली है गुजरात जायंट्स विमेंस की तरफ से, जिसमें कौन कौन से बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे ये मैंने आपको पहले ही बताया। अब बात करेंगे यूपी वॉरियर विमेंस की, यूपी की, मैं भी यूपी की ही हूँ तो यहाँ यूपी वॉरियर विमेंस का थोड़ा सा फेवर करूंगी। तो यहाँ पर बात इनके तरफ से ओपन करने आएंगी एलिसा हेली, उनका साथ देते हुए दिखेंगी किरण नौगिरे, यहाँ पर बैक टू बैक नजर आएंगी ताइला मैगरा, ग्रेस हैरिस, श्वेता सहरावत, दीप्ति शर्मा जो लगातार अच्छे पॉइंट दे रही है, पूनम खेमनार, सोफी एक्लेस्टन, साइमा थक्कर, गौहर सुल्ताना और राजेश्वरी गायकवाड़। यहाँ पर से इंपॉर्टेंट प्लेयर कौन सी रहेंगी, हेली इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाली है, ताइला मैगरा इंपॉर्टेंट रहेंगी, ग्रेस हैरिस यहाँ पर एसले गार्डनर के बाद सीवीसी की पहली ऑप्शन, दीप्ति शर्मा भी आप सीवीसी जीएल में ट्राई कर सकते हो, सोफी एक्लेस्टन इस मैच में काफी अच्छी ऑप्शन रहेंगी, सीवीसी के लिए भी जा सकते हो। तो ये 5 खिलाड़ी सेफेस्ट प्लेयर है, लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हो तो आप यहाँ पर राजेश्वरी पे रिस्क ले सकते हो या फिर नौगिरे, ये 2 खिलाड़ी मुझे लग रहा है इस मैच की रिस्की पिक हो सकती है स्मॉल लीग में। ग्रैंड लीग में तो आप यहाँ पर श्वेता सहरावत भी ट्राई कर सकते हो, हालांकि देखो मैं नहीं चाहूंगी और मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं रहती हूँ, क्योंकि कुछ प्लेयर होती है जो एकाका मैच में परफॉर्म करती है बाकी के मैचेस में उनकी परफॉर्मेंस नहीं आती, और ऐसे प्लेयर पे मैं भरोसा बिल्कुल नहीं दिखाती हूँ जो एक मैच में परफॉर्म करे, वो एक मैच में परफॉर्म करेगी। लेकिन अगर हमने 5 मैच में ड्रॉप किया है, 1 मैच में परफॉर्म करेगी, हो सकता है हमारा रिजल्ट खराब हो, लेकिन 4 मैच में तो हम प्लस में रहेंगे ना, तो सोच हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। बात करेंगे इन सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स की, सबसे पहले हेली की बात करेंगे, 33, 33, 55, 3 आखिरी मैच 29 रन, गुजरात जायंट्स विमेंस के गेम 3 मैच में 52 रन 70 का एवरेज है, वेन्यू पे 2 मैच खेला है 31 रन बनाए। श्वेता सहरावत कंप्लीटली फ्लॉप, गुजरात जायंट्स विमेंस के गेम 2 मैच में 7 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 21 रन। ताइला मैगरा 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 रन, यहाँ पर आखिरी 3 मैच से देखो कोई पॉइंट नहीं दिया है। इस मैच की ड्रम खिलाड़ी यहाँ पर मैगरा बन सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है 3 मैच फ्लॉप होने के बाद खिलाड़ी धमाका कर सकती है। गुजरात जायंट्स विमेंस के अगेंस्ट 2 मैच में 57 रन 1 विकेट निकाली है, वेन्यू पे 1 मैच खेला है, 1 भी विकेट नहीं मिली है। किरण नौगिरे की बात करें गाइस, यहाँ पर 57, 12, 18, 7, 5 गुजरात जायंट्स विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच में 69 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 12 रन। दीप्ति शर्मा 27 रन 1 विकेट 17 रन, 33 रन 1 विकेट, 53 रन 1 विकेट, 59 रन 4 विकेट। अगर आप आखिरी 3 मैच से देखोगे तो इस खिलाड़ी ने वन साइडेड पॉइंट दिया यूपी वॉरियर विमेंस की तरफ से, और आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मैच वो भी 17 रन बनाए थे, हर मैच में पॉइंट देके जा रही है बैटिंग बॉलिंग दोनों तरीके से। तो दीप्ति शर्मा
को ग्रैंड लीग की सीवीसी जरूर ट्राई करना गाइस, क्योंकि ये खिलाड़ी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है। गुजरात जायंट्स विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच में 34 रन 2 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 112 रन 5 विकेट निकाला है। ग्रेस हैरिस 38 रन 1 विकेट 60 रन 0 विकेट 5 रन 1 विकेट 15 रन 0 के, लास्ट मैच 14 रन 2 विकेट निकाला है। गुजरात जायंट्स विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच में 191 रन मारी है, वेन्यू पे 2 मैच में 29 रन 2 विकेट। आप देखो गुजरात जायंट्स के अगेंस्ट स्टैट्स हैरिस के बहुत जबरदस्त है, ठीक है। तो इस मैच में भी आपको अच्छी खासी बैटिंग देखने को मिल सकती है। साइमन टक जिनकी देखो बॉलिंग का उतना भरोसा नहीं है, लेकिन हालांकि लास्ट मैच में 2 विकेट मिली थी। यहाँ पर गुजरात जायंट्स के खिलाफ मैच नहीं खेला है, वेन्यू पे 2 मैच खेला है 3 विकेट मिली है। क्लेस्टन 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, लास्ट मैच 1 विकेट। गुजरात जायंट्स विमेंस के अगेंस्ट स्टैट्स अच्छे, 3 मैच में 6 विकेट है, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट है। पूनम खेमनार जिनकी बैटिंग बहुत नीचे आएगी, हो सकता है मौका ना मिले, तो इनको ड्रॉप करना आपके लिए ज्यादा यहाँ पर चलाकी वाला ऑप्शन रहेगा, लॉजिकल ऑप्शन है। गौर सुल्ताना की बात करें तो 0 विकेट 5 विकेट 1 विकेट, आखिरी 2 मैच से विकेट नहीं मिली है, और इस प्लेयर के साथ मैं नहीं जाऊंगी, पूरे ओवर भी होंगे नहीं। राजेश्वरी गायकवाड़ 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट। गुजरात जायंट्स विमेंस के अगेंस्ट 3 मैच खेला है 3 विकेट निकाली है, वेन्यू पे 2 मैच खेला है सिर्फ 1 विकेट मिली है। तो गाइस देखो प्लेयर्स के बारे में जो हमारे प्रोबेबल प्लेइंग 11 है, इनके बारे में मैंने आपको काफी अच्छे से समझाया है, लेकिन आपके लिए जानना सारे प्लेयर के बारे में जरूरी है। तो यहाँ से हम देखेंगे एक्स्ट्रा प्लेयर बेंच प्लेयर के स्टैट्स, आप स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले, क्योंकि हो सकता है इस मैच में अच्छा पट्टू या कोई भी खिलाड़ी चेंज हो, तो आपके पास सारे स्टैट्स होने चाहिए, ठीक है। बाकी बात करें यूपी वॉरियर विमेंस के बॉलिंग ऑर्डर की, तो पावर प्ले में बॉल डालेंगी सोफिया क्लेस्टन, ग्रेस हैरिस, ताइला मैग्रा, मिडिल ओवर में बॉल डालेंगी साइमा थकोर, ताइला मैग्रा, राजेश्वरी गायकवाड़, दीप्ति शर्मा एंड सोफी एक्लेस्टन, डेथ में बॉल डालेंगी साइमा थकोर, राजेश्वरी गायकवाड़, सोफी एक्लेस्टन एंड दीप्ति शर्मा। तो एग्जैक्टली बॉलिंग ऑर्डर यूपी वॉरियर विमेंस की तरफ से यही रहेगी गाइस। आगे बात देखो प्लेयर्स के बारे में, तो काफी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। बात करें दोनों टीमों के हेड टू हेड मुकाबले की, तो आपस में 3 मैच आमने सामने खेला और 3 के 3 मैच वन साइडेड विनिंग करी है हमारी यूपी की लड़कियों ने। ये गुजरात की टीम हमारी आईपीएल मेंस की टीम की तरह बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि टीम बहुत अच्छी है, लेकिन वही मैंने कहा ना बॉलिंग ऑर्डर, बॉलिंग अटैक जो उनकी है वो उनकी कमजोर कड़ी है। बैटिंग लाइन बहुत अच्छी है, आपके ऑलराउंडर में गार्डनर एक तरफा वन मैन आर्मी है, लेकिन बॉलिंग से कमजोर पड़ जा रही है ये टीम। आप देखो लास्ट मैच भी यूपी वॉरियर ने 6 विकेट से जीता था, वहां पर देखो वॉलबॉट ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दी थी, गार्डनर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, कन्वर को 2 विकेट मिली थी, ब्राइस और मेघना को 1 विकेट। यूपी की तरफ से ग्रेस हैरिस ने 60 रन बनाए थे, इसके अलावा हेली ने 33 मारा था, गायकवाड़ को 1 विकेट, एक्लेस्टन को 3 विकेट मिली थी। इससे पहले मैच की तरफ चलेंगे जहां पर गार्डनर ने देखो यहां भी परफॉर्मेंस अच्छी दी है, वहां भी अच्छी दी है, कन्वर को यहाँ भी विकेट मिली है, गार्डनर को यहाँ भी विकेट मिली है, यहाँ पर हेमलता ने भी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। सामने से ग्रेस हैरिस इंपॉर्टेंट पिक रहेंगी, आप देख लो दोनों जगह अच्छी परफॉर्मेंस आई है, मैग्रा की अच्छी परफॉर्मेंस है, राजेश्वरी गायकवाड़ और एक्लेस्टन, तो यहाँ पर गायकवाड़ और एक्लेस्टन को यहाँ भी विकेट मिली है, यहाँ भी विकेट मिली है। तो आप देख सकते हो कुछ प्लेयर जो आमने सामने हर मैच में परफॉर्म करते हैं, स्क्रीन शॉट लो इन प्लेयर को, आपको अपनी सारी टीम में रखना है, किसी भी टीम से ड्रॉप नहीं करना है। लेकिन गाइस इस मैच की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कौन सी टीम के जीतने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं, ये आपको क्या लगता है, मुझे तो अभी नहीं पता, लेकिन मुझे क्या लगता है आपको जरूर पता चल जाएगा कि मुझे लग रहा है यूपी वॉरियर विमेंस की टीम जीतने वाली है। यहाँ पर मैं यूपी की टीम को सपोर्ट कर रही हूँ, बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट करके जरूर बताएगा कि इस मैच में बाजी कौन मारेगा। दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करें तो यूपी वॉरियर विमेंस ने आखिरी 5 में से 3 मैच जीते, गुजरात जायंट्स विमेंस ने आखिरी 5 में से सिर्फ 1 मैच जीते। अगर आप पलड़े की बात करोगे तो पलड़ा यहाँ सीधे सीधे यूपी का भारी, और मेरी प्रेडिक्शन भी यही कहती है कि यूपी वॉरियर विमेंस इस मैच को जीत सकती है। बाकी गाइस देखो ये बात हुई है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर विनिंग प्रोबेबिलिटी की, लेकिन हमारे पूरे वीडियो का सबसे मेन पॉइंट जो है हमारी फैंटेसी टीम कि इस मैच की टीम में सबसे बेस्ट पिक क्या रहेगी, कौन सी टीम के साथ आप जीतोगे, ये टीम को देखो आप। और आप सबको पता है कि मेरे वीडियो की टीम अभी तक बहुत सारे मैचेस में आपको क्लीन स्वीप करा चुकी है, विकेट कीपर में एलिसे हेली एंड बेथ मुनी, बैटिंग सेक्शन में लॉरा वॉलवर्ट, फोर ब्लिचफील्ड ऑलराउंडर में ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, ताइला मैग्रा, कैथरीन प्राइस, एशले गार्डनर, बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो सोफिया क्लेस्टन एंड तनुजा कन्वर बेस्ट ऑप्शन है। कैप्टेंसी के लिए जैसे मैंने पहले ही बोला गार्डनर सबसे पहला ऑप्शन है, वीसी के लिए दीप्ति के साथ आप जा सकते हो, अदर ऑप्शन में देखो हैरिस भी ओपन ऑप्शन रहेंगी। आप स्क्रीनशॉट लो सेम टीम के साथ जाओगे, इस मैच में जबरदस्त विनिंग होने वाली है, आप लीग के ले सकते हो, इस टीम के साथ आप मैक्सिमम कॉन्टेस्ट जीतने वाले हो, ठीक है। बाकी देखो ये बात हुई है स्मॉल लीग की, अगर आप ग्रैंड लीग खेलते हो जैसा कि मेरा सजेशन भी होता है
कि विमेंस के मैच में अगर आप स्मॉल लीग में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये बहुत स्मार्ट डिसीजन नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबकी टीम सेम ही आती है। हम सबको पता है कि गार्डनर सबसे स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, हम सब कैप्टन उसी को बना के आएंगे, हम सबको पता है प्लेइंग 11 में हमें कौन कौन सी प्लेइंग 11 रहेगी। ऑलमोस्ट सबकी टीम आपको 99% तक तो मुझे लगता है सेम ही आएगी, लेकिन ग्रैंड लीग में आप नंबर ऑफ टीम के ऑप्शन है, आप टीम शफल कर सकते हो, आप प्लेयर शफल कर सकते हो, आप सीवीसी शफल कर सकते हो। वहां पर आपके पास एक ही ऑप्शन है गार्डनर को कैप्टन बनाने का, यहां पर आप दीप्ति को भी कैप्टन बना सकते हो, आप मैग्रा को भी कैप्टन बना सकते हो, आप हैरिस को भी कैप्टन बना सकते हो, आप बेथुनी को भी कैप्टन बना सकते हो। ठीक है, ग्रैंड लीग में अगर जीत हासिल करनी है तो एलिसा हैली, कैथरीन ब्राइस, लॉरा वॉलवर्ट, तनुजा कनवर, फोब लिचफिल एंड दयालन हेमलता, ये मेरे थोड़े रिस्की पिक रहेंगे। अगर आपको सेफ सीवीसी जाना है तो एस्ले गार्डनर, बेथुनी, ताइला मैग्रा, सोफी एग्लेस्टन, दीप्ति शर्मा एंड ग्रेस हैरिस, ये बिल्कुल सेफ मेरे सीवीसी के ऑप्शन है। और इन सारे प्लेयर्स में से पकड़ के आप अपनी बेस्ट 11 क्रिएट करो ग्रैंड लीग खेल लिए, तो इधर से सीवीसी ट्राई करो, प्लेयर रोटेट करो, उन्हीं प्लेयर को ट्राई करना है जिनको पूरा मौका मिलने वाला है, बैटिंग और बॉलिंग के पूरा भरोसा है, और इसके अलावा सेफ खेलना है स्मॉल लीग में, तो इधर से किसी को भी सीवीसी बनाओ, जीत पक्की है। इन्हीं में से कोई ना कोई दो तीन खिलाड़ी आपको सबसे ज्यादा पॉइंट दे के जाएगी। बाकी गाइस देखो, यहाँ पर जो लोग भी चैनल में पुराने उनको पता है, नए लोगों को मैं बता देती हूँ कि हर एक मैच की फाइनल टीम टेलीग्राम पे आती है, जो अपडेटेड टीम होती है, जो आती है टॉस के बाद, लाइनअप आने के बाद, जब हमें पता चल जाता है दोनों टीम की एग्जैक्ट प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है, टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग बॉलिंग कौन करने वाला है, जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा रहने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारी टीम में चेंजेस हो सकते हैं, सीवीसी में चेंजेस हो सकते हैं, तो वो आफ्टर इफेक्ट वाली टीम आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी क्रिक बॉल पे, जिसकी लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन है, तो फटाफट जाओ हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ गाइस, जिसमें आपका फायदा होने वाला है और साथ ही साथ आप मेरे फैमिली के हिस्से भी बनने वाले हो। इसके अलावा इस मैच का हमारा गिव अवे क्वेश्चन ये रहने वाला है यहाँ पर कि प्लेयर ऑफ द मैच इस मैच में कौन बनने वाला है, सबसे ज्यादा पॉइंट आपके फैंटेसी टीम में कौन दिलाने वाला है, और सेकेंड क्वेश्चन मोस्ट विकेट टेकर बॉलर इस मैच में कौन सी खिलाड़ी रहने वाली है, सबसे ज्यादा विकेट निकाल के कौन सी खिलाड़ी देगी। दोनों क्वेश्चन का आंसर करने के साथ साथ आपको हैशटैग लगा देना है GUJW vs UPW, गुजरात जायंट्स विमेंस वर्सेज यूपी वॉरियर विमेंस, आपको हैशटैग लगा के आंसर कर देना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, हम जल्द मिलेंगे नेक्स्ट मैच के पूरी प्रेडिक्शन के साथ। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना है, लेकिन सबसे पहले क्या करना है चैनल को सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसी लगी, कमेंट में कैसी कंजूसी है यार, कमेंट तो किया करो, भर भर के तारीफ किया करो मेरी। बाकी देखो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो जोक्स अपार्ट, यहाँ विमेंस का मैच है तो मेरी तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट।